अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं लाइफ सामिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है खोया खीर, खोया राइस खीर। तो खोया राइस खीर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप चावल थे जिनको आपने पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है। साथ में ही खोया है हमारे पास 1.5 कप। खोया ना हो तो फिर आप मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1.5 कप। साथ में ही हमारे पास चीनी है 1 कप, लेकिन आपने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, तो फिर आप डाल के एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिएगा। साथ में ही हरी इलायची है 6 अदद, और ये हमारे पास खीर मिक्स का पाउडर है। तो अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं करना तो ना करें, ये ऑप्शनल है। और साथ में ही किशमिश जितनी आपको पसंद हो, और कुछ बादाम और पिस्ते। और यहाँ पर हमारे पास दूध है, तो दूध को फर्स्ट रख देते हैं बॉयल होने के लिए। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आएगा, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अब दूध गर्म हो चुका है और अब आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल पूरी रात के आपने भिगो के रखने हैं और उनको किसी ब्लेंडर या ग्राइंडर वगैरह में डाल के ब्लेंड कर लेना है, ताकि वो बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाएं। और अब ये इसी के अंदर पकेंगे और तकरीबन 2 मिनट आपने इन दोनों को एक साथ पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो अब दूध के अंदर एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, दूध गर्म हो चुका है। तो इस पोजीशन पे अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है हरी इलायची, लेकिन इनको थोड़ा सा तोड़ लेना है, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको डालने के बाद इसको आपने हिलाना है और साथ ही इसके अंदर खीर मिक्स का एक पैकेट ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चीनी है, इसलिए हमने चीनी कम दी है, तो आप चीनी को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं चावलों के अंदर दोबारा से बॉयल आ चुका है। जब हमने इलायची और खीर मिक्स का डाला था तो दूध का टेम्परेचर डाउन हो गया था, तो अब फिर से दूध के अंदर बॉयल आ चुका है। और अब आपने लो टू मीडियम पे इसको पकाना है 10 मिनट के लिए, ताकि चावल अच्छी तरह से इसी के अंदर पक जाए। तो अब खीर को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब आप देख सकते हैं दूध भी हल्का हल्का थिक हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि चावल भी गल चुके हैं। तो अब आपने इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड करनी है। चीनी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही रखिएगा। हमने इसके अंदर खीर मिक्स का पाउडर भी डाला है, तो उसके अंदर भी ऑलरेडी चीनी होती है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। और फिर साथ में किशमिश, ये जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डालें, और चॉप कटे हुए बादाम। ठीक है, तो अब हम इन सबको मिक्स करते हैं और 2 से 3 मिनट अब आपने इनको पकाना है एक साथ, ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। खीर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर पिस्ते ऐड करेंगे, तो ये जितने आपको पसंद हो आप उतने ऐड करें। और अब आपने इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाना है। तो अब खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हमने इसका फ्लेम लो कर दिया है, और साथ में ही अब आपने इसके अंदर डालना है खोया। तो खोया आपने कुछ इस तरह श्रेड करके डालना है और बस लो फ्लेम पे ही आपने रखना है, लो फ्लेम पे ही ये कुक होगा। खीर बिल्कुल डन हो चुकी है और अब बस इसका फ्लेम करना है ऑफ, और मैं आपको इसे ठंडा कर दूँगा। तो अब इसको मैंने सेट कर लिया है, थोड़ा ठंडा कर लिया है और गार्निश कर लिया है। तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो और रेसिपी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लाइफ विद सामिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अल्लाह हाफिज़।